सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो है तो हमारी कुछ खास चर्चाएं होती हैं, और उन चर्चाओं में जो है तो आज हमारे साथ बिलाल अहमद जी हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल जो है तो हज कमेटी बोर्ड के जो हैं तो यहाँ पर अनूपपुर ज़िले के जिला अध्यक्ष बिलाल अहमद जी अभी वर्तमान में ही बने हैं। बिलाल जी, सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि राजनीतिक कैरियर आपका क्या रहा, और आपने कब से राजनीति की शुरुआत की, और कब से भारतीय जनता पार्टी में हैं? मेरा राजनीतिक जीवन जो है लगभग 2000-2003 के आसपास शुरू हुआ, और मैं जब अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा। तो भाजपा का जुड़ाव मेरा लगभग 20 साल का हो गया, और इन 20 सालों में मैं विभिन्न पदों में भी रहा भारतीय जनता पार्टी के। और राजनीतिक जीवन जो मेरा था वो निचले स्तर ग्राम पंचायत से शुरू हुआ। तो ग्राम पंचायत में मैं पंच का चुनाव लड़ा, फिर उप सरपंच रहा, और उप सरपंच के बाद मेरी पत्नी जनपद सदस्य भी थी। तो ये मेरा राजनीतिक जीवन है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जैसे जैसे मैं आगे काम करता रहा तो जिले का अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री भी था और उपाध्यक्ष भी था, और अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिला अनूपपुर हज कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया है। अच्छा, अभी जैसे आज जो वर्तमान की स्थितियां हैं, और उससे पहले जब कभी कांग्रेस की सत्ता होती, सत्ता शासन काल था, और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, तो कितना कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं, और कितना आप लोगों को महसूस होता है कि वाकई में जो है तो उस सरकार में काम नहीं हो रहा था और जो अब इस सरकार में काम हो रहा है? पूर्व, बहुत पूर्व तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2003 और 2023 के बीच का जो मेरा राजनीतिक जीवन था उस समय पर मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर काम करती है, और कांग्रेस का शासनकाल मैंने कुछ ही समय देखा। तो उस समय की जो स्थिति थी, माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय हम लोगों ने ये भी देखा था कि सड़कें नहीं थी और बिजली का भी रोना हुआ करता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में आया, उस समय से बहुत अमूल चूल परिवर्तन दिखता है। गांव-गांव में रोडें भी दिख रही हैं, शहर से गांव की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, जिससे जब परिवहन का साधन जब बढ़ जाता है तो उससे विकास अपने आप खुल जाता है गाँव का। गाँव के लोगों को अब आने जाने का साधन मुहैया होता है, तो वो एक गाँव से और अब बाज़ार तक आते हैं, तो जो उनकी जीविकोपार्जन की जो कहना चाहिए बिल्कुल स्थिति बदल जाती है। उनके जो उत्पादन होते हैं, धान हो गया जैसे, और बहुत सारे वन्य वस्तुएं होती हैं, आम हो गया है ना, और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो बाज़ार तक पहुंचती हैं और उनका यथा उचित मूल्य मिलता है, तो परिवर्तन निश्चित तौर पर आता है। और ये भाजपा और कांग्रेस के शासनकाल में बहुत बड़ा फर्क मुझे देखने को, बिजली बहुत ज़्यादा कटौती होती थी, वो आज के समय में आप भी देखते होंगे तो आपको भी लगभग ऐसा एहसास होता होगा कि कुछ परिवर्तन है। एक बात और भी है, जैसे अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट की एक सबसे अच्छी योजना थी जल जीवन मिशन के अंतर्गत, कि हर गांव में जो है तो पानी की टंकियां बनाई जा रही, कर लगभग करोड़ों की लागत से हैं। लेकिन देखा जाता है जिस पंचायत में आप रह रहे होते हो, खासतौर पर कझिया की बात करें या अन्य पंचायतों की, वहाँ पर कहीं ना कहीं पर देखा जा रहा है कि ठेकेदारों के माध्यम से उनकी जो समय अवधि है उस समय अवधि पर काम करके नहीं दे रहे हैं आज, तो कहीं ना कहीं पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए आप क्या कहें? आप बहुत सही मुद्दा उठाए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना में हर गाँव में हमको टंकी बना के घर घर में नल का पानी देना है। लेकिन मैं भी ये एहसास करता हूँ कि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जो क्रियान्वयन एजेंसियाँ नीचे की हैं, या विभाग कहा जाए या ठेकेदार कहा जाए, वो इसमें बहुत ज़्यादा शिथिलता बरत रहे हैं। समय पर काम पूर्ण न होना, और आप तो सबसे पहले पानी ढूंढिए। टंकी बना देने से गांव की समस्या का हल नहीं होगा, पहले आप पानी ढूंढिए, जल स्रोत अच्छा मिल जाए आप, उसके बाद वहाँ पर आप टंकी बनाइए तो उस गाँव को लाभ होगा। बहुत सारे जगह में आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि टंकी तो बन गई बहुत, लेकिन हम पानी का सही स्रोत नहीं ढूंढ पाए तो हमारे लिए कोई मतलब की नहीं निकलती। क्योंकि देखिए अभी जैसे जिस पंचायत में आप हैं, और कई सारी पंचायतें हैं आसपास की, चाहे हरद की बात करें जो कि कॉलरी क्षेत्र से पूरी लगी हुई हैं, कहा जाए कि एक तरफ कॉलरी का हिस्सा होता है और दूसरी तरफ जो है तो ग्राम पंचायतों का हिस्सा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर देखा जा रहा है कि आज कई वर्षों से जो है तो कॉलरी प्रबंधन अपनी मनमानी पर है, जबकि CSR के तहत उन्हें कई सारी सुविधाओं का लाभ जो है तो
जहाँ पर उनका कार्य क्षेत्र है वहाँ तक देना है, देना चाहिए। आपको याद होगा इस मुद्दे के लेके हमने कालरी में भी एक आंदोलन किया था, और मेरा ये जो ग्राम पंचायत पकरिया और सकोला है ये वास्तव में जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र है। जब तक यहाँ पर कॉलोनी है, थोड़ा बहुत मजदूर रह गए हैं, तो हम लोगों ने एक आंदोलन करके इसको रोका नहीं, तो उन्होंने SECL ने अपना फिल्टर यहाँ से हटा लिया है। तो पकरिया तो SECL के नक्शे से ही हट गया है कि यहाँ पर हमारे कोई कर्मचारी रहते हैं। लगातार हम संघर्ष करके ग्राम पंचायत के माध्यम से, मध्य प्रदेश शासन के विभागों के माध्यम से हमने यहाँ पर कई बोर कराए, और उन बोर के माध्यम से ही अभी हम अपने ग्राम पंचायत पकड़े लगभग 3 वर्षों से, कभी कम कभी ज़्यादा करके हम पानी की सप्लाई अपने क्षेत्र में कर पा रहे हैं। तो ये मेरे यहाँ, मैं जहाँ पर निवास करता हूँ, तो मेरे बहुत बड़ी समस्या है। और आपने बिजली और पानी को लेकर भी, आप भी थे उस आंदोलन में, हमने नारायण निकलान 7-8 में किया था, तो उस समय तो थोड़ा दिन के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपना फिल्टर प्लांट यहाँ से हटा लिया। आज की स्थिति में कालरी श्रमिक नगर कॉलोनी में पानी की सप्लाई अपने माध्यम से लगभग 2 साल हो गया हट चुका है यहाँ से, और हम ग्राम पंचायत के ही माध्यम से यहाँ पर पानी सप्लाई करवा रहे हैं। कुछ नए बोर कराया हमने, पंचर बोर कराया, और एक जगह जो यहाँ पर इनका सम्प वेल है, उस सम्प वेल में ला के इकट्ठा करके, और फिर मोटर बच गई। हमारे आंदोलन से हुआ कि उनकी एक मोटर है यहाँ पर जिससे सप्लाई होती है, उसको इन्होंने नहीं उखाड़ा, और सिर्फ आंदोलन के ही डर कारण उसको नहीं था, ये भी उसको उखाड़ने वाले थे। तो लगभग कुछ ना कुछ अपन थोड़े बहुत लड़ाई लड़े, तो वो मोटर यहाँ है। और रही बात नल जल योजना की, मेरे यहाँ स्वीकृत है, कार्य प्रारंभ है, और वही समय सीमा की जो बात आई उसको अभी पूरी हो जाना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण वो योजना हमारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई, और मुझे लगता है कि अभी 6 महीने और लगेंगे। जल का हमारे यहाँ स्रोत हम लोगों ने मेहनत करके अच्छा ढूंढा है, तो मुझे ऐसी आशा है कि मेरे यहाँ यदि ये नल जल योजना सक्सेस हो जाएगी। अभी जैसे हाल फिलहाल आप जिला अध्यक्ष बने हज कमेटी के, तो अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के जो है, तो अभी कितनी सारी और जैसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है, तो क्योंकि एक दशक जो हम लोगों ने पहले देखा, सुनते थे, अखबारों में पढ़ते थे, कई सारी चीज़ें होती थी कि समुदाय को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तो अब किस तरह के लाभ दे रही है? जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि पुराने समय के हिसाब से और अभी के समय में अमूल परिवर्तन आ चुका है, और मेरा भी यही कहना है कि मध्य प्रदेश शासन की बहुत सारी अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर, मतलब स्पेशली कहा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर बहुत सारी योजनाएं, उन योजनाओं को यदि हम आपसे चर्चा करने लगेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। और मैं अपने अल्पसंख्यक समुदाय से भी यही अनुरोध करता हूँ कि वो मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं जो भी चल रही हैं उनका लाभ उठाएं, और कोई भी समुदाय हो, जब तक शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं जाएगा उसका विकास नहीं होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र जो है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं, तो आज ये देखा जा रहा है कि देखिए भवन निर्माण हो रहा है, मैं नहीं कहता कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं पर आज आप स्कूलों की स्थितियाँ देख लीजिए, वहाँ शिक्षक नहीं होते, अस्पताल चले जाइए वहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, आप इस चीज़ को खुद महसूस करते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं पर अभी समस्या है, लेकिन शासन अपने स्तर से उसको सुधारने में लगी हुई है। जहाँ तक अभी शिक्षा के क्षेत्र में, तो अभी बहुत सारी भर्तियाँ आपने भी देखा, वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 1 की बहुत सारी भर्तियाँ अभी हुई हैं, तो जो हो सकता है पीछे समय में कुछ परेशानियाँ रही हों, लेकिन अब उन भर्तियों से उनका शिक्षा का स्तर भी ऊँचा उठेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच तो बहुत ज़्यादा अच्छी है शिक्षा के क्षेत्र में। अभी CM राइज स्कूल जो खुले हैं अपने, एक साल का समय लग सकता है, 2 साल का समय, लेकिन जिस वक्त CM राइज स्कूल अपने पूरे सवाब में आएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में बदरा में भी CM राइज स्कूल खुला हुआ है, इस साल से उसमें कक्षाएं प्रारंभ होंगी। तो हो सकता है अभी थोड़ी बहुत कमियां इस साल रहें, लेकिन आगे आने वाले समय में देखेंगे CM राइज स्कूल के माध्यम से मॉडल स्कूल, एकलव्य स्कूल, जो हमारे ये अच्छे स्कूल माने जाते हैं, इनसे काफ़ी शिक्षा का स्तर ऊपर आएगा, और अपने क्षेत्र में भी शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे, अभी कई बच्चे हमारे यहाँ के जज बने, हमारे प्रॉपर इसी गांव से पकरिया में, आपके पत्रकार साथी संतोष चौरसिया जी हैं, उनकी बच्ची अगले इसके पूर्व में नीट में फाइट करके MBBS का कोर्स कर रही हैं। हमारे बगल में माननीय MN सिंह जी थे, उनकी पोती जज में, उनका सिलेक्शन हुआ।
हमारे सकोरा गांव में ही, आप यदि मैं एक तरफ से आपको बताना शुरू करूं तो नर्सरी के क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियां आज के डेट में मतलब कहने से सरकारी नौकरियों में भी हैं और प्राइवेट नौकरियों में भी। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्षेत्र में धीरे धीरे शिक्षा का स्तर जो है ऊँचा ही जा रहा है और अच्छा होगा। स्कूल जो खुल रहे हैं सी एम राइज स्कूल, और आपने ITI देखा होगा, पेट्रोल पंप एम एन सिंह जी का पेट्रोल पंप, उसके आगे एक 11 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके पूर्व दिया था, वो भी इस वर्ष से संचालित हो जाएगा। तो हम टेक्निकल और एजुकेशन दोनों के मामले में आगे जाने वाले हैं निश्चित, और ये मध्य प्रदेश के शासन का बहुत अच्छा काम है। आप अपने समाज को और जो भी इन जुड़ी हुई योजनाओं का, जैसे क्या कई सारे लोग जो है तो अशिक्षित होने की वजह से लाभ नहीं ले पाते, तो उसके लिए जो है तो भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि काफ़ी सारे कार्यकर्ता होते हैं तो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत होगी, मुझे लगता है कि कम से कम उन योजनाओं को उनके घर तक ले जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमारा कर्तव्य बनता है। यदि हम राजनीतिक जीवन में हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि शासन की योजनाएँ जो कम जानकारी की वजह से उनके तक नहीं पहुंचती, तो यह हमारा कर्तव्य होता है कि हम उन योजनाओं को ऐसे लोगों तक पहुंचाए, तभी वो हमारा समुदाय हो या अन्य कोई समुदाय हो, तभी वो योजनाओं का लाभ पा पाता है, वरना वो लाभ से वंचित हो जाता है। और इसमें वास्तव में हम जैसे कार्यकर्ताओं का, मेरे बहुत भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगातार, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं, और वो गांव के में भी होते हैं और शहरी क्षेत्र में होते हैं, लगातार योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। और हम अगर ऐसा कोशिश करते हैं कि हमसे जहां तक बन पड़ेगा, हमको जो पार्टी ने हमको जो दिया है, हमको जहां तक पहुंचाया है और हमसे जो चाहती है कि हम क्षेत्र में काम करें, निश्चित हम काम करेंगे और अपने लोगों के विकास के लिए, शिक्षा के विकास की अपनी आगे बढ़ाएंगे, उसको निश्चित उन तक पहुँचाएंगे लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल जी। तो ये थी आज की हमारी कुछ खास चर्चाएं, और इन चर्चाओं में जो है तो आपने भी देखा होगा कि जिन मुद्दों को लेकर के हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आगामी जो है तो विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, जस्ट 6 महीने बाद जो है तो विधानसभा का चुनाव होना है, और धीरे धीरे जो है तो एक तरफ राजनीति की सरगर्मियाँ भी धीरे धीरे तेज़ हो रही है, और धीरे धीरे पर ये देखा जा रहा है कि लगातार जिन प्रत्याशियों को विधानसभा का चुनाव लड़ना है वो चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं पर तैयारी भी बना रहे हैं। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।